I'm sure he'll target. Fine leg is up. That's the one he's targeted, and that is a flat hit for six. The short ball. Out! अबे पप्पू कितनी गिरी? 11. नहीं नहीं चंदू इतनी नहीं हो सकती. हाँ जब मैं घर में नहीं होती उसकी तो गिनती मैंने की नहीं. हैं? पर ये तो आज चल रहा है. आज पता नहीं कैसे चल रहा है. मेरे पीछे पता नहीं कैसे चलता होगा. अरे चंदू लेकिन तुम हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है यार. हाँ मैं हूँ या ना हूँ की फर्क पड़ता है. तुम्हें तो वही करना है जो तुम करते हो. हैं चंदू पर मैं तो कुछ नहीं करता. तुम कुछ नहीं करोगे मैं करूंगी. चंदू तुम कब से करने लग गई? आज अभी से. क्या चंदू पर उसके लिए तो प्रैक्टिस लगती है ना. इसमें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है. इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं उंगलियों पे गिनती कर सकूँ. गिनती? किस चीज की? प्लेट्स की. आज संडे है क्रिकेट की वजह से मैं टीवी नहीं देख सकती. प्लेट तोड़ दे उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया. अरे यार चंदू पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस चीज पर गुस्सा आ रहा है. प्लेट टूटने पर या क्रिकेट देखने पर? दोनों पर. फिर ठीक है. क्यों? किसी एक पर गुस्सा होती तो क्या करते तुम? कुछ नहीं. तो फिर पूछा क्यों? अरे पता लगाने के लिए कि झगड़ा किस बात पर हो रहा है. अरे यार. अरे भाई भाभी इससे पहले कि म्यान से आपकी तलवारें बाहर आ जाए चुप हो जाओ. अबे पप्पू लेकिन हमारे पास तो कोई तलवार नहीं है. चाकू है. अरे मैं तलवार और चाकू की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ शांत हो जाओ. कितना झगड़ा करोगे? झगड़ा किए बिना खाना हजम नहीं होता क्या? अबे पप्पू पहली बात तो ये कि मैं झगड़ नहीं रहा हूँ चंदू झगड़ रही है. और दूसरी बात ये कोई बाबा जी का चूरन नहीं है जिससे खाने से झगड़ा हजम हो जाएगा. तेरी जनरल नॉलेज ना बहुत वीक है यार. भाभी भाई सही कह रहे हैं. हमेशा झगड़ा आप ही करती हो. पप्पू नंदू देखो मेरा सिर पहले से घुमा हुआ है इसलिए मुझे मत ब्लेम करो कि मैं झगड़ा करती हूँ. अरे नंदू ने हरकत ही ऐसी की है कि झगड़ा हो जाए. हाँ भाई भाभी सही कह रहे हैं. तुम्हारी तो हरकत ही ऐसी होती है कि बिरजू बैल भी तुम्हें सींग मार दे. अबे पप्पू चुप कर तुझे कुछ नहीं पता. पर चंदू तुम्हारा सर नहीं घूम रहा है. जहाँ है वहीं पर तो है. नंदू मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा है. देखा 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 माना ना तुमने तुम्हें गुस्सा आ रहा है. इसका मतलब गुस्सा भी तुम्हें ही आता है और झगड़ा भी तुम ही करती हो. मैं सिर्फ गुस्सा करती हूँ झगड़ा तुम करते हो. टाइम प्लीज. चुप करो तुम. कभी तुम कह रहे हो कि नंदू सही है कभी कह रहे हो कि मैं सही हूँ. जब हम दोनों सही है तो गलत है कौन? कोई नहीं. अबे जब कोई गलत नहीं तो हम झगड़ क्यों रहे? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तुम दोनों को यही पता नहीं चलता कि झगड़ा क्यों कर रहे हो और झगड़ा किस लिए कर रहे हो. बस झगड़ते रहते हो. पप्पू मुझे नंदू की कर्तव्यों पे गुस्सा आता है इसलिए मैं झगड़ा करती हूँ. हाँ और मैं इसलिए झगड़ता हूँ ताकि मैं चंदू का साथ दे सकूँ. है नंदू? अबे मंद बुद्धि को साथ देने के लिए झगड़ा करता है क्या? अबे पप्पू तेरी जनरल नॉलेज सच में वीक है यार. झगड़ा हमेशा दो लोगों में होता है एक में नहीं. और चंदू का साथ देने के लिए मुझे झगड़ा तो करना पड़ेगा ना. देखो देखो तुम फिर से मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं झगड़ा करती हूँ. मैंने कहा ना मैं झगड़ा नहीं करती. झगड़ा तुम करते हो. तुम करती हो. तुम 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 करते हो. तुम करती हो. अब और कोई बात नहीं मिली झगड़ा करने के लिए तो झगड़ा किसने शुरू किया? इस बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया. अरे कितना झगड़ा करोगे यार? सही कह रहा था मैं. तुम दोनों को ना झगड़ा किए बिना खाना भी हजम नहीं होता. अबे पप्पू अभी 10-20 लाइन पहले ही पता है ना कि ऐसा नहीं है. हाँ नंदू सही कह रहा है. अच्छा तो ठीक है शर्त लगा लो. हाँ लग गई शर्त. पहले ये बता शर्त क्या है. मुझे पता था तुम यही पूछोगे. अबे शर्त ये है कि आप दोनों झगड़ा करने की कोशिश नहीं करोगे और जो भी पहले झगड़ेगा वो 1000 रुपए मुझे देगा. ठीक है मैं तैयार हूँ. लग गई शर्त. हाँ लगी. क्या बात है. जय संस्कार. अब इन दोनों की शर्त के चक्कर में ये झगड़ा नहीं करेंगे और मैं आराम से इंडिया की बैटिंग देख पाऊंगा. क्या बात है यार मैं कितना पॉपुलर होता जा रहा हूँ. अरे भाई क्या बात है पप्पू बहुत खुश लग रहे हो. अबे भगवान अंकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे आज तक तो हॉल में आते थे अब मेरे रूम में भी टपक पड़े. सुनो ये मेरा रूम है बगीचा नहीं है जहाँ कभी भी मन करे और आ जाओ. अरे मुझे मालूम है ये बगीचा नहीं तुम्हारा घर है लेकिन जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ मैं पहले ही पहुँच जाता हूँ ताकि किसी को हेल्प करने में लेट ना हो जाऊँ. देखो सुनो हमारे घर में झाड़ू कटका बर्तन सब हो चुका है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है. पर वैसे भी तुम्हारी जरूरत पड़ती किसको होगी? तुम्हें पता नहीं मैं बहुत बड़े काम की चीज हूँ समझे. चीज नहीं हो तुम नाचीज हो नाचीज. अब ये बताओ क्यों टपके हो? अरे भाई ये जानने के लिए सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक अब जाओ. अच्छा ये बताओ ये फेसबुक में तुम क्या मटर गश्ती कर रहे हो?
अरे यार आज भाई भाभी में झगड़ा हो गया था तो अब दोनों में शर्त लगी है कि कौन पहले झगड़ा करता है। इसी बात पे मैंने अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स से ओपिनियन पूछा है कि कौन जीतेगा, ए नंदू, बी चंदू, सी पप्पू और डी भगवान अंकल। पर ये नंदू चंदू के झगड़े में तुम और मैं कहां से आ गए? अबे यार मैं ऑप्शन हूँ क्योंकि मैं इस घर में रहता हूँ और तुम हमेशा आते जाते रहते हो। पर पप्पू चंदू और नंदू के झगड़े में तुम्हें नुकसान हो सकता है। हाँ वो तो है। हाँ लेकिन चंदू और नंदू की शर्त में तुम्हें फायदा जरूर हो सकता है। कैसे? देखो तुम चंदू और नंदू में से किसी एक को जीतने की मदद करने के लिए उसके बदले में 500 रुपए मांग लो। अरे वाह भगवान अंकल, जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात किया तुमने। पर मेरा दिमाग तो चीते से भी तेज भागता है। भाई जीते या भाभी, जिद भी मेरी होनी चाहिए और पट भी। मैं दोनों की साइड लूंगा, किसी ना किसी से तो 500 मिल ही जाएंगे। फिर मैं तान्या को इंप्रेस करूंगा। अरे किस सोच में पड़ गए? खामोशियां बेचैनियां ना।